भैया, यहाँ पे कुछ है ऐसा लगता है। अरे क्या है भैरव? अरे भैया देखो ना, यहाँ जब भी मैं कुड़ाई कर रहा हूँ टन टन की आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा देखता हूँ। अरे ये तो सोने का घड़ा मालूम होता है। भैया मुझे लगता है एक और घड़ा है, वहाँ कुड़ाई करो तो। अरे भैया ये तो सोने और चांदी के घड़े हैं। हाँ वही तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये घड़े कैसे हैं? कहीं जादुई वादुई तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भैया, किसी ने सोने और चांदी के घड़े में कुछ छिपाया होगा। अरे नहीं देख, दोनों की दोनों खाली है। भैया इसे चुपचाप पहले घर ले चलो, वरना किसी और पंछियों ने देख लिया तो फिर हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। अच्छा चलो इसे ले चलते हैं। ओ बिजली बिजली, ओ बिजली बाहर आओ। अरे ये क्या लेकर आए हो तुम दोनों? कहाँ से चोरी डकैती तो नहीं कराए? दो चार बातें क्या बोली तुम लोग, चोरी डकैती पे उतर आए? अरे नहीं नहीं हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है, देखो हमें क्या मिला है। हम अपने खेतों में कुड़ाई कर रहे थे, तब हमें ये सोने और चांदी के दो घड़े मिले हैं। अच्छा ले आओ घर में, इसे अंदर लाकर रख दो, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। जाओ, तुम सब की पत्नियाँ ठीक हो चुकी होंगी, घर जाकर देखो। और आज कोई खाना नहीं बनाना, कल से खाना बनाना, आज बिल्कुल खाना नहीं बनाना। याद रखना, जो इस बात को नहीं मानेगा वो बहुत बुरा फंसेगा, याद रखना। अरे बिजली, अरे बिजली तुम ठीक हो गई? हाँ, कितना गंदा पड़ा हुआ है बताओ, तीन दिन से झाड़ू भी नहीं पड़ा है। अरे बिजली तुम एकदम अच्छी हो गई। हाँ हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, क्या हो गया था मुझे? अरे कोई बात नहीं है, अब जो भी हुआ था वो खत्म हो गया, अब अच्छी हो गई हो तुम, बहुत अच्छी बात है। देखो बिजली, अगर कोई खाना मांगने आए तो एक पेट खाना देने से कुछ घटता नहीं है, खाना जरूर दे देना। अच्छा अच्छा मैं वैसा ही करूँगी। अरे बिजली इस गांव में प्रेत आत्माएं आ गई थी, उस बूढ़ी डायन को किसी ने खाना नहीं दिया था इसी वजह से। कालू कौवा और भैरव दो भाई थे। भैरव बरामदे में बैठा हुआ था और कालू की पत्नी बिजली खाना बना रही थी, तभी वहाँ कालू पहुँचता है। और बिजली खाना बन गया क्या? अरे मेरा तो खाना बन ही जाएगा ना, इस निखट्टू को घर में क्या बिठा कर रखे हो? अरे किसे कह रही हो? अरे किसे कहूँगी, इस भैरव को और किसे? अरे ऐसी बात मत करो, उसे बुरा लग जाएगा। अरे चुप करो तुम। अरे निकट्टू, काम का ना काज का, डेढ़ मन अनाज का, सिर्फ बैठकर खाना है तुझे और कुछ नहीं करना है। सोचा है जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाभी क्यों बात बात पर मुझे ताने देती रहती हो, कितना खा लेता हूँ मैं। माँ और पिताजी होते तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। अरे तेरे ना तो माँ है ना पिता है, करना तो हमें ही पड़ता है ना। तू ऐसे निखट्टू की तरह घर में बैठा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो क्या करूँ मैं,
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ हाँ, क्या समझ में आएगा, फ्री का खाना मिल रहा है, समझ में कहाँ से आएगा। अरे बिजली, बंद करो अपनी बकवास, ये क्या तुम बोले जा रही हो। चल भाई भैरव, आज लगता है घर में खाना नहीं मिलेगा, चल तू मेरे साथ। कहाँ चलूँ भैया? अरे चल, रास्ते में बताऊंगा। हाँ हाँ, जाओ ना, मेरी बातें तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। 2 दिन का घर में राशन बचा हुआ है, 2 दिन बाद आना खाने को, जब कुछ नहीं मिलेगा तब समझ में आएगी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, क्या करूँ, इतनी बात बोल रही हूँ, किसी को दिमाग में जाता ही नहीं है। मेरी बातें ही सिर्फ बुरी लगती है, और घर की हालत दोनों में से कोई नहीं देख रहे हैं। अरे भैया, यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे भैरव, वहाँ चिक 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 अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन भैया, भाभी कुछ गलत तो नहीं ही कह रही है? मैं ऐसे बैठा रहता हूँ तभी तो ये सब कुछ हो रहा है ना। अरे वो तो बात सही है, क्या करूँ तू ही बता। अरे भैया चलो अपने खेत पे काम करते हैं, यहाँ रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलो फिर। अरे भैया, यहाँ पे कुछ है ऐसा लगता है। अरे क्या है भैरव? अरे भैया देखो ना, यहाँ जब भी मैं कुड़ाई कर रहा हूँ टन टन की आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। अरे ये तो सोने का घड़ा मालूम होता है। भैया मुझे लगता है एक और घड़ा है, वहाँ कुड़ाई करो तो। अरे भैया ये तो सोने और चांदी के घड़े हैं। हाँ वही तो मैं भी देख रहा हूँ, और लेकिन ये घड़े कैसे हैं? कहीं जादुई वादुई तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भैया, किसी ने सोने और चांदी के घड़े में कुछ छिपाया होगा। अरे नहीं, देख दोनों की दोनों खाली है। भैया इसे चुपचाप पहले घर ले चलो, वरना किसी और पंछियों ने देख लिया तो फिर हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। अच्छा चलो इसे ले चलते हैं। ओ बिजली बिजली, ओ बिजली बाहर आओ। अरे ये क्या लेकर आए हो तुम दोनों, कहाँ से चोरी डकैती तो नहीं कराए? दो चार बातें क्या बोली, तुम लोग चोरी डकैती पे उतर आए। अरे नहीं नहीं, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है, देखो हमें क्या मिला है। हम अपने खेतों में कुड़ाई कर रहे थे, तब हमें ये सोने और चांदी के 2 घड़े मिले हैं। अच्छा, ले आओ घर में इसे, अंदर लाकर रख दो, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। आओ तुम दोनों खाना खा लो। ये लो कालू जी, और ये भैरव तुम्हारे लिए, खाओ खाना। भाभी इस घड़े का क्या करना है? अरे अभी थोड़ा ठहर जा, देखूं तो सही ये घड़ा है क्या। अरे मैं तो कहता हूँ इसे सुनार के पास ले चलते हैं और बेच डालते हैं, जो भी आमदनी होगी उससे हम अच्छा खासा घर बना लेंगे और कोई काम धंधा भी शुरू कर लेंगे। अच्छा अच्छा, देखते हैं जैसा होगा वैसा करेंगे समय आने पर। अरे उस कमरे में रोशनी हो रही है, आखिर है क्या, देखूं तो सही। अरे मुझे तो ये पंछी उठाकर ले आए हैं।
क्या ये मेरा उपयोग कर पाएंगे? अरे मैं तो विनाशक हूँ, मैं तो सिर्फ बर्बादी कहलाता हूँ। तू जो भी अच्छा करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अरे ये पता नहीं तू कौन सी पनौती है जो मेरे साथ लगा हुआ है। इन पंछियों को तो पता भी नहीं है मेरे बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे इन्हें तो मेरे बारे में भी पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे चुप चुप चुप, लगता है कोई आ रहा है। अच्छा तो अब तो देखना होगा आखिर क्या है इन दोनों घड़े में। अरे बिजली, दो उस चांदी के घड़े को, पहले बेच आता हूँ। अच्छा अभी रुक जाओ, बेचना। अच्छा अब समझ में आ गया, यानी एक देने पर पूरा घड़ा भर के बैगन मिलेगा। अच्छा अब इस दूसरे को देखती हूँ। अच्छा समझ में आया, मतलब ये सिर्फ खराब करेगा चीजों को और ये दुगना कर देगा, तिगुना कर देगा। ठीक है, अरे ये तो मैंने बचा बचा कर रखा है, मैं इसे आज सोने के घड़े में डाल दूंगी। देखो भाई भैरव, अब तू अपना नया घर ले ले और अपना अलग से रह। अरे भाभी मैं कहाँ जाकर नया घर ले लूँगा, अब मैं तुझे खरीद कर दूंगी। अरे भाभी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप कहीं से भी आए हो, मैं मायके से लेकर आई हूँ, मैं तुझे नया घर दूंगी। अरे ये क्या सुबह सुबह लगा रखा है, नया घर दूंगी नया घर दूंगी। हाँ ये हमारे साथ ही रहेगा, कहाँ जाएगा ये? तुम चुप करो, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ तो फिर मेरे हिसाब से चलना होगा। अरे बिजली ये क्या तमाशा लगा रखा है? नहीं नहीं मैं जो कह रही हूँ वही करना होगा। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। भाभी मैं कहाँ जाऊँगा? अरे वो बगल वाले घर पे चले जा, वहीं पे रहना। ठीक है भाभी तुम जैसा कहो। सुन ये सोने और चांदी दो घड़े थे ना, ये ले चांदी का घड़ा तेरा हुआ और ये सोने का घड़ा मेरा हुआ। अरे भाभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं दिया है, जा चांदी का घड़ा लेकर जा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाभी। अरे बिजली तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? अरे चुप करो, तुम हमेशा से बेवकूफ थे और बेवकूफ ही रहोगे, कभी नहीं सुधरोगे। अरे तुम्हें क्या पता ये सोने के घड़े में जो भी डालो ये पूरा भर कर लबालब वापस करता है। मैंने सोने के चार सिक्के डाले थे, ये देखो देखो कितने सारे सिक्के मिले हैं। और वो चांदी वाला? अरे चांदी वाला में कुछ भी डालो वो उसे खराब ही कर देता है। अरे तो तुमने ये क्यों दे दिया उसे? और इतना सारा जब धन है तो हम साथ मिलकर रहते तो ज्यादा अच्छा होता ना। तुम चुप करो, मैं साथ नहीं रख सकती, कल की कौन आएगी कौन नहीं और फिर मेरे घर में हिस्सेदारी मांगेगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाभी और भैया ने यहाँ भेज तो दिया है, जाता हूँ सबसे पहले तो इस घड़े को उसी मिट्टी में दबा देता हूँ, ये तो मेरी चीज ही नहीं है, मैं इस पर क्यों दिमाग लगाऊं।
अरे भैरव, तू मेरे खेतों में भी काम कर दे। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं करूँगा। अब मैं सबके खेतों में काम करता हूँ तो आपके खेतों में भी काम कर दूंगा। सुना है तेरे भैया और भाभी खूब अमीर हो गए हैं। हाँ भैया, मेहनत करते हैं इसलिए अमीर हो गए हैं। बढ़िया बात है, कल से मेरे खेतों में आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगा। ये क्या हो रहा है। अरे दुष्ट, तूने क्यों चांदी डाला? चांदी से मेरी दुश्मनी है, अब तो कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ मेरा ये घड़ा ही बचेगा और तेरा कुछ भी नहीं बचेगा। अरे बिजली, निकलो, भागो 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 बिजली, वरना कुछ नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगी। भैया ये क्या हो गया? मैंने सुना यहाँ आग लगी थी। हाँ सब कुछ खत्म हो गया भैरव। अरे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरा घर है, चलो मेरे घर में वहाँ रहना, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आ जाना। अरे नहीं भैरव, मुझे माफ कर दे, सब कुछ मेरी लालच की वजह से हुआ। हम आज साथ रहते तो ज्यादा अमीर रहते और ज्यादा सुखी रहते, मैंने लालच में आकर सारा कुछ बिगाड़ दिया। अरे नहीं भाभी, चलो चलो। भैरव उन्हें लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कालू और बिजली को अपनी भूल का एहसास हो चुका था, अब वो आपस में मिलकर रहने लगे थे। एक बूढ़ी बाज गांव में घूम घूम कर खाना मांग रही थी। अरे कोई है, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। अरे कोई है, निकलो, जरा मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। अरे बाप रे, न जाने ये कौन है। अम्मा, मेरे पास खाना नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अरे कोई है, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। सुबह सुबह खाना मांगने आ गई, खाना भी बना भी नहीं है, और तू कैसी दिखती है, मुझे तो डायन जैसी लग रही है। अरे मुझे ऐसे क्यों कह रही हो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तुम गांव वालों ने मुझे खाना नहीं दिया, मैंने इतनी बार खाना मांगा, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। सुनो गांव वालों, अब तुम लोग कोई खाना खाने के लायक नहीं रहोगे, देख लेना, एक एक करके सब मरोगे, सब मरोगे। अरे अच्छी खासी देर हो गई है, चलो अब काम खत्म हुआ, घर चलता हूँ, भूख लगी है। आ गए आप, चलो खाना दे दूँ, जग्गू भी काफी देर से इंतजार कर रहा है आपका। हाँ बाबा आप आ गए, मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा। अरे जग्गू, तू पहले खाना क्यों नहीं खा लेता है, मेरा इंतजार क्यों करता रहता है। मैं तो कभी देर हो जाता हूँ, कभी जल्दी आता हूँ, मेरे इंतजार में मत रहा कर बेटा, खाना खा लिया कर। अरे पापा मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ बैठकर खाना खाना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है, दो बिजली। और तुम खाना नहीं खाओगी क्या? अरे नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कैसी बातें कर रही हो, अब बैद जी के पास जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, बैद जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, उतनी भी खराब नहीं लग रही है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। अरे तुम परेशान मत हो ना, मैं बैद जी के पास जा सकता हूँ।
अरे नहीं, बैची के पास जाने की जरूरत नहीं है। मंगरू आया था। मंगरू कह रहा था कि ढाबा में कुछ चीजों की कमी है, कल ढाबा चले जाना। अरे हाँ, खेतों के चक्कर में 5 दिन से ढाबा नहीं गया हूँ। ढाबा जाऊंगा, देखता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पर। मालिक आ गए आप? अच्छा हुआ आ गए मालिक, राशन खत्म हो रहा है, 2 दिन में राशन पूरा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जो भी है एक लिस्ट बना ले मंगरू, शहर से ले आएंगे हम लोग। देख मंगरू, जो खराब हो जाएगा सामान ना, उसे फेंक देना, उसे ग्राहकों को मत खिलाना, ग्राहक हमारे लिए देवता है। अरे नहीं मालिक, मैं जानता हूँ आप खराब सामान ग्राहकों को नहीं खिलाते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मालिक, आप एकदम परेशान मत हो। अरे बिजली, ऐसा लगता है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बैजी के पास जाता हूँ। अच्छा जाओ, अब तो सचमुच मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कालू कहाँ जा रहे हो? अरे बैजी के पास जा रहा हूँ। अरे मैं भी जा रहा हूँ, चलो चलो साथ ही चलते हैं। तुम क्यों जा रहे हो बैजी के पास? अरे भैया क्या बोलूँ, गौरी की तबीयत खराब हो गई है। ओहो अच्छा, चलो चलो। अरे काका, ओ काका, इतनी रफ्तार में कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हो गया काका? अरे क्या बोलूं, तुम्हारी काकी बीमार है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। बैद जी के पास जा रहा हूँ। अरे हमारी भी पत्नियां बीमार हैं। अरे गुन्नू भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कहूँ, गिन्नी बीमार हो गई है और समझ में नहीं आ रहा है, बुखार उतर ही नहीं रहा है। अरे ये क्या हो रहा है काका, क्या हो रहा है ये? अरे गुन्नू, बैजी के पास गया था क्या? एक बार गया था, उन्होंने दवा दी है, दोबारा जा रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है दवा का। समझ गया, चलो अब एक दूसरी जगह जाना होगा। अरे कहाँ जाना होगा काका? अरे मुझे पता है, चलो मेरे साथ। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे गांव के बाकी पंछी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों भीड़ लगा रहे हो? अरे हम तुम्हारी मदद मांगने आए हैं। क्या बोलना है, इस बूढ़े कौए को भेजो, सब यहाँ कलर कलर नहीं करोगे। अच्छा समझ गई। अच्छा सुनो, तुम लोगों में से किसी की भी पत्नियां नहीं बचेंगी। तुम्हारे गांव में क्या किसी को खिलाने के लिए एक थाली भोजन भी नहीं रहता है? अरे ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? अरे काले कौवे, तेरी पत्नी किसी ने भी खाने को नहीं दिया उस बूढ़ी बाज को। वो बूढ़ी एक डायन थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं करती, पर तुम लोगों ने खाना भी नहीं दिया। गुस्से में उसने अपना प्रेत वहाँ छोड़ दिया है, वो सभी को ले जाएगी। अरे अम्मा ऐसा मत कहो, कुछ करो अम्मा, वरना हम सारे मारे जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन गांव में आज खाना नहीं बनेगा, एक भी चूल्हा नहीं जलना चाहिए, आज सिर्फ एक ही चूल्हा जलेगा और वो चूल्हा मैं जलाऊंगी, कर सकोगे? हाँ हाँ, हम सब कुछ करेंगे। अरे गांव के लोगों सुनो, कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, गांव में प्रेत आत्मा है,
चूल्हा नहीं जलाना है। अरे कमीने, वैसे भी कौन चूल्हा जलाएगा, सबकी तो पत्नियां बीमार ही है, चल हट यहाँ से। जाओ, तुम सबकी पत्नियां ठीक हो चुकी होंगी, घर जाकर देखो। और आज कोई खाना नहीं बनाना, कल से खाना बनाना, आज बिल्कुल खाना नहीं बनाना। याद रखना, जो इस बात को नहीं मानेगा वो बहुत बुरा फंसेगा, याद रखना। अरे बिजली, अरे बिजली तुम ठीक हो गई? हाँ, कितना गंदा पड़ा हुआ है, बताओ 3 दिन से झाड़ू भी नहीं पड़ा है। अरे बिजली, तुम एकदम अच्छी हो गई। हाँ हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ, क्या हो गया था मुझे? अरे कोई बात नहीं है, अब जो भी हुआ था वो खत्म हो गया, अब अच्छी हो गई हो तुम, बहुत अच्छी बात है। देखो बिजली, अगर कोई खाना मांगने आए तो एक पेट खाना देने से कुछ घटता नहीं है, खाना जरूर दे देना। अच्छा अच्छा, मैं वैसा ही करूँगी। अरे बिजली, इस गांव में प्रेत आत्माएं आ गई थी, उस बूढ़ी डायन को किसी ने खाना नहीं दिया था, इसी वजह से। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, हमें तो पता भी नहीं चला। अरे ये हाल पूरे गांव का था, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं। चलो अब सब कुछ अच्छा हो गया, मन अब हल्का हल्का लग रहा है। आता हूँ जरा गुन्नू से भी पूछ कर, भैरव से भी पूछ कर। अरे भैरव, कैसी है गौरी भाभी? अरे क्या बताऊँ, ठीक है, लेकिन इसे समझाना तो एकदम जैसे कि गधे के सिर पर सिंह उगाना है। अरे ऐसा क्या कह रहे हो? अरे मैं इसे कह रहा हूँ कि आज के बाद कोई भी खाना मांगे तो जरूर खाना दे देना, तो ये कह रही है खाना क्या मुफ्त में आता है। अरे नहीं नहीं गौरी भाभी, ऐसी गलती मत करना, वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तुम्हें नहीं पता इस बीच क्या क्या हुआ है। अरे मैं समझ गई हूँ, लेकिन ना ये जब से आए हैं तब से एक ही बात कह रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ अच्छा ठीक है अब से नहीं करूँगी, पर तब से बोले जा रहे हैं। मैं समझ चुकी हूँ, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, तुम सारे निश्चिंत हो जाओ। अब सब कुछ गाँव में ठीक हो गया था और गाँव में कोई भी किसी को खाना देने से मना नहीं करता था।